बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आप सबका मामाज किचन में। आज की हमारी रेसिपी का नाम है स्वीट एंड सॉर स्पाइसी विंग्स। और अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये विंग्स आपको नज़र आ रहे होंगे, मैंने हाफ़ के जी विंग्स ले लिए हैं और इसको मैंने वॉश करके अच्छी तरह से, जब इसका पानी ड्राई हो गया तो मैंने इसको अलग से प्लेट में निकाल लिया है। अब इसकी मैरिनेशन के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप नोट कर लें। सॉल्ट 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, मैदा 1 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर 1.5 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, विनेगर 1 टेबलस्पून, एग 1। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम अपने चिकन में मैरिनेट कर देंगे। मैरिनेशन हो गई है, सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के हमने मैरिनेट कर दिए। अब इसको 1 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। देख लें, 1 घंटा हो गया है, मैंने चिकन को फ्रिज से निकाल लिया और साथ ही मैंने कढ़ाई में ऑयल भी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। ये देख लें, मीडियम सी फ्लेम है और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है तो हम ये विंग्स फ्राई कर लेंगे। देखिए, विंग्स हमने सारे ऑयल में डाल दिए हैं। अब इसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, इसको 2-4 मिनट के बाद हम इसको हिलाएंगे और फिर हम देखेंगे। अभी आप इसको इसी तरह छोड़ दें लो फ्लेम पे। देखिए आप, ये इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखिए आप, आराम से आप इसको हिलाएं और इसकी साइड चेंज करें और बस ये बिल्कुल ऑलमोस्ट ये कुक हैं। 2 से 3 मिनट्स के बाद मैं इसको निकाल लूँगी और फिर हम इसकी सॉस रेडी करेंगे। देखिए, विंग्स फ्राई हो गए थे, ये मैंने निकाल लिए हैं प्लेट में। अब मैं इसको साइड पे रख दूँगी। आप लोग इसको कवर नहीं कीजिएगा वरना सारे सॉगी हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी सॉस की तरफ। सॉस बिल्कुल रेडी हो गई है। मैंने उतार लिया है पैन, मैंने चूल्हा बंद करके पैन उतार लिया था ताकि ये जल ना जाए और सॉस ख़राब ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी है सॉस। अब इस सॉस के अंदर हमने जो हमारा चिकन फ्राई करके रखा था वो ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। ये मैंने चिकन ऐड कर दिया है। अब आप इसको सही से मिक्स कर लें और टॉस कर लें। देखिए, मैंने सारी विंग्स सही से मिक्स कर ली और जो सॉस है हमारी विंग्स के ऊपर लग चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारे मज़ेदार से स्वीट एंड सॉर विंग्स तैयार हो गए हैं। ये आप देख लें कितने अच्छे लग रहे हैं, ये आप देख सकते हैं ये कितने सॉसी हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करें, कमेंट किया करें। अब मिलते हैं अब अपनी अगली रेसिपी के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।